दौरान बहस अगर बीवी को ये कह दिया कि मेरी मां चुप हो जाओ तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। लग कलाम करार पाता है, यानी उस कलाम की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया कि इल्लल्लाहि वलदतुम, और इनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। खुदा ने रोका है कि बीवी को मां से तशबीह दी जाए, और अल्लाह ताला ने रोका है कि अपने बाप के अलावा निस्बत किसी और की तरफ दी जाए। जैसे लेपालिक बच्चे पाल देते हैं ना, मुतबन्ना बच्चे, अडॉप्टेड सन डॉटर, उसमें उसके असल वालिद का नाम तब्दील कर देना ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने मना किया है खुद कि खबरदार बाप का नाम तब्दील ना करो। उदउहुम लिआबाइहिम, उनको पुकारो उनके बाप के नाम के साथ। दिलचस्प वाकया ये हुआ कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये यमनी थे, उन्हें किसी जमाने में बद्दू बुर्दा फरोश खरीद के ले आए थे, मक्का की मंडी में आके बेच दिया। तो मक्का मुकरमा में हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद लिया और अपनी फूफीजाद बहन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को पेश कर दिया। उन्होंने शादी के तोहफे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। मुख्तसर खुलासा उसका ये, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ज़ैद इब्ने मोहम्मद, ज़ैद इब्ने मोहम्मद। अब हमेशा से ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु पुकारे जाते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। अब नबूवत के बाद तो हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और बढ़ गया था, हर कोई यही कहता था। अल्लाह ने जब ये आयत नाजिल की कि डूम ले आबाई, लोगों को उनके असल वालिद के नाम से पुकारा करो, तो कल शाम तक तो कह रहे थे ज़ैद इब्न मोहम्मद, और सुबह हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया ज़ैद इब्न हारिसा। तो उनको बड़ा नागवार गुजरा, दुख पहुंचा कि कहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत थी और कहां मेरे असल वालिद की तरफ। तो अल्लाह ताला ने ज़ैद का दिल रखने को और उस मोहब्बत को और उस ताल्लुक को निभाने को अल्लाह ने कहा फलम्मा कदा ज़ैदुम मिन्हा, जब ज़ैद अपनी बीवी को तलाक दे चुके, जब्बच ना कहा हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया। ये वाहिद सहाबी हैं रजी अल्लाह जिनका नाम कुरान में आया है, वरना किसी सहाबी रजी अल्लाह का नाम नहीं है। ये आने की वजह यह थी कि उनका दिल खुश रहे कि क़यामत तक लोग पढ़ते रहेंगे ज़ैद इब्ने मोहम्मद जो है, तो फिर भी किसी वक्त ज़ैद इब्ने हारिसा लिखा गया था, अब अल्लाह ने ऐसा पक्का नाम कर दिया कि क़यामत तक अब उसे लोग कुरान करीम में तिलावत करते रहेंगे, और जब तिलावत करेंगे तो 30 नेकियां उन्हें मिलेंगी। इसलिए ऐसे जुमले कहने नहीं चाहिए, लेकिन कहा है तो लग है, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए।